कि हमने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, पार्लियामेंट की सुरक्षा का सवाल हो, कांग्रेस के साथ कभी राजनीति नहीं की। जो जिसका हक था वो हमने किया। आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसको शर्म आना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर जो है वो अपना कब्र खोद। यह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। आप सरकार को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो फ्रिस्किंग होने लगेगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे आर्मी यहाँ आ जाएगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो हमारा आपका जो है जीना जो है लोकसभा प्रमाइसेस में या पार्लियामेंट के प्रमाइसेस में मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस यही करती रही है 50 साल तक, उसको समझ में आया। तो आम जनता को राहत देने वाला कोई भी कानून यदि आएगा तो कांग्रेस एक मौके की तलाश में रहता है और यही कारण है कि वो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इशारा करता है कि मैंने दो ट्वीट किया है। एक तो ट्वीट मैंने किया है 1974 का कि इस पार्लियामेंट में लोग रिवॉल्वर लेके पिस्तौल लेके घुस गए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की पार्टी जो जनसंघ थी, या विपक्षी पार्टी ने कोई इशू नहीं मनाया। और उसने ये कहा कि इस तरह की चूक के लिए जो सजेशन देना था वो सजेशन दिया, उसने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि ये लोकसभा का सवाल है। लोकसभा की पूरी सुरक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सचिवालय के पास है, तो लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का तो जिक्र नहीं किया। दूसरी घटना मैंने कही है 1994 की। 1994 में तो ऐसा हुआ कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन तक जो है प्रेमपाल पहुंच गया। एक कहानी रतनलाल की है 74 की, वो प्रेमपाल की कहानी है। उसके बावजूद भी वो जो रिजोल्यूशन मूव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वो मल्लिकार्जुन अय्यर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उस वक्त भी। मैं आपको बताऊं, आप पूरे रिजोल्यूशन को देख लीजिए, पूरी प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इशू नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के मामले, क्योंकि 50 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसने कभी भी इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। यहां की जो सुरक्षा है वो केवल और केवल उसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री का विषय है, उसी तरह से इस लोकसभा प्रमाइसिस का, सिक्योरिटी का पूरा विषय लोकसभा अध्यक्ष का है, लोकसभा सचिवालय का है। इसका कहीं दूर दूर तक, भारत सरकार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यही दो ट्वीट मैंने किया है, लोगों को बताने के लिए किया है और ये कहने के लिए किया है कि हमने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, पार्लियामेंट की सुरक्षा का सवाल हो, कांग्रेस के साथ कभी राजनीति नहीं की। जो जिसका हक था वो हमने किया। आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसको शर्म आना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए। और इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर जो है वो अपना कब्र खोद रहा है। लेकिन उनकी डिमांड है कि एचएम आए और एचएम इस मसले पर सफाई दे, वो बाहर मीडिया में बोलते हैं, हाउस के अंदर क्यों नहीं? एचएम क्यों आएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष का यह विषय है, लोकसभा सचिवालय का विषय है, एचएम क्यों आएंगे? एचएम को यदि आप लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कल को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी सब ये लोकसभा के प्रमाइसेस पे आने लगेगी। आप कभी कहिए डिफेंस मिनिस्टर जवाब देंगे, कभी होम मिनिस्टर जवाब देंगे। यहां जो है पार्लियामेंट में, यह पार्लियामेंट सांसदों का है, संसद का है। और मैंने एक और जो ट्वीट किया है 74 का, उसमें और इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि जो रिजोल्यूशन है एक मामूली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के, उसने मूव किया है। यहां तो रिजोल्यूशन जो है सरकार को भी मूव नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। यह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। आप सरकार को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो फ्रिस्किंग होने लगेगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे आर्मी यहां आ जाएगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो हमारा आपका जो है जीना जो है लोकसभा प्रमाइसेस में या पार्लियामेंट के प्रमाइसेस में मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस यही करती रही है 50 साल तक, उसको समझ में आना चाहिए। हमने कभी राजनीति नहीं की,
ये सवाल भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पे आगे पार्लियामेंट सेशन चलेगा, जिस तरीके से विपक्ष का तेवर है वो वॉकआउट कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं? ये देश उनको अभी तक जो है धूल चटा चुका है ना, वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं राजनीति का जवाब मिलेगा उनको। और अभी तीन महत्वपूर्ण बिल है 140 करोड़ लोगों के लिए, भारतीय न्याय संहिता, इविडेंस एक्ट, आईपीसी, सभी की जो है चर्चा होनी है। 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बदलने जा रही है, 1860 के कानून जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदले जा रहे हैं। लोगों को हम सुविधा देना चाहते हैं, लोगों को न्याय देना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ जो केस कोर्ट में फंसे हुए हैं उसके लिए आप ये समझिए कानून है, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं चाहते हैं। उनका आम लोगों से लेना देना नहीं है। ये विषय ये है कि यदि ये सारी जो है सीआरपीसी, आईपीसी और इविडेंस एक्ट यदि पास हो जाएगा तो उनको लगता है कि शायद आम लोगों को जो राहत मिलने लगेगी, इससे उनकी समस्या है। वो चाहते हैं कि लोग जेल के अंदर बंद रहें, वो चाहते हैं कि 50-50 100-100 साल के जो लिटिगेशन कोर्ट में चल रहे वो चलते रहें, वो सब खत्म होने वाला है। तो आम जनता को राहत देने वाला कोई भी कानून यदि आएगा तो कांग्रेस एक मौके की तलाश में रहता है, और यही कारण है कि वो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। सर, ऑपोजिशन दुबे जी को दे दिया गया कि कुछ भी ट्वीट करते रहते, कुछ भी बोलते रहते, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार दे दिया है सरकार ने, इस तरह की बातें कह रहे। सरकार ने नहीं, मुझे जनता ने दिया है। मैं 3 बार का सांसद हूं और मैं पढ़ता लिखता हूं। आज भी यदि मैंने 2 ट्वीट किए हैं तो लोकसभा लाइब्रेरी में 2 घंटे मैंने समय बिताए हैं, और उसके बाद जो है मैंने निकालकर प्रोसीडिंग्स दिया है। मैं कोई हल्की बातें नहीं करता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।